कल दिल्ली सरकार ने कई सारे स्टेप्स अनाउंस किए एंड आई लाइक टू गो थ्रू सम ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बिकॉज मीडिया ने केवल उसमें से एक ही स्टेप उठाया ऑड इवन नंबर एंड बाकी सारी चीज़ों को एज यूजुअल मीडिया वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ वाला होता है वही उठाता है सो लेट मी जस्ट फर्स्ट गो थ्रू ऑल द स्टेप्स विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एक तो है कि अपने मिट्टी बहुत उड़ती है दिल्ली के अंदर जगह जगह और मिट्टी उड़ने के कई सारे कारण हैं. एक बड़ा कारण ये है कि हमारी दिल्ली के सड़कों के ऊपर मिट्टी है. सुबह वो झाड़ू लगाता है और वो झाड़ू सारी मिट्टी जो है वो साइड में कर देता है और जब फिर गाड़ी जाती है तो वो सारी मिट्टी फिर वो बीच में आ जाती है. वो मिट्टी रहती वहीं है और वो हवा के अंदर रहती है और हमारे को ट्रबल करती है. सो वैक्यूम क्लीनिंग इज समथिंग दैट इज बीइंग डन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जिसको हमने सोचा था कि हम करेंगे लेकिन उसको अब हमने एक्सपीडाइट कर दिया उसको. और आर पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट सेज दैट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स टेंडर अभी 10 दिन के अंदर हो जाएंगे बट द मशीन्स आर नॉट अवेलेबल इन द कंट्री ऑन दैट स्केल सो दैट मोबिलाइजेशन वुड नीड टू बी डन. 1 अप्रैल से दिल्ली के अंदर सारी पी डब्ल्यू डी की सड़कों के ऊपर वैक्यूम क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी विच मीन्स दैट वी विल सक ऑल द डस्ट एंड उसको कहीं और फेंक के आएंगे और आपको सड़क के ऊपर डस्ट फिर नहीं दिखाई देगी. देर हैज टू बी अ फ्रेश डस्ट दैट हैज टू कम देयर. सेकेंड इज कि पेवमेंट्स पे फुटपाथ पे और सेंट्रल वर्ज पे सारा कच्चा है जिसकी वजह से वहां पे भी जब गाड़ी जाती है तो वहां से भी मिट्टी उड़ती है. उसको सारे को हॉर्टिकल्चर से घास उगा के या प्लांटेशन करके दिल्ली की जितनी भी सड़कें हैं उन सारी सड़कों के दोनों तरफ घास उगा के और हॉर्टिकल्चर से उसको कर दिया जाएगा सो दैट वो ग्रीनरी जो है उसको मिट्टी को कंट्रोल करके रखे. ये स्टेप शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से होना. वी हैव आस्क्ड देम टू फ्लोट इमरजेंसी टेंडर्स सो दैट 1 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा लेकिन पूरी दिल्ली को कंप्लीट करने में इसमें थोड़ा सा समय लगेगा. दूसरा एक एक्चुअली देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ आईआईटी कानपुर आई थिंक एम आई राइट द चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो देयर. आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट है हमारी जिसमें बहुत सारे रीजंस भी दिए हुए हैं कि क्यों पॉल्यूशन है और उसके क्या क्या स्टेप्स. उसमें लिखा है कि दिल्ली के अंदर कूड़ा जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं है और वो रह जाता है पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली विंटर्स में रह जाता है. उसमें सरकार भी कर रही है लेकिन जो अभी दिल्ली स्वच्छ अभियान हम लोगों ने किया था उसके अंदर एक ऐप बनाया था कि अगर कहीं भी आपको कूड़ा दिखाई दे उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें भेज दीजिए हम कूड़ा उठाएंगे. दैट वॉज फिनोमिनली सक्सेसफुल बिकॉज लगभग 50,000 के करीब कंप्लेंट्स आई थी उसमें हमारे पास एंड रफली 42,000 कंप्लेंट्स हैव बीन क्लियर्ड. मलबा भी उठा दिया गया या कूड़ा भी उठा दिया गया उसी ऐप को यूज करके. मैं शायद मंडे को हम अनाउंस करने वाले हैं दैट आप उस ऐप को यूज करके अगर कहीं भी आपको कूड़ा जलता हुआ दिखाई दे आप उसकी फोटो खींच के हमें भेज दीजिए और हम उस पर फाइन भी लगाएंगे जो लोग कूड़ा जला रहे हैं और वी विल इंश्योर कि वहां पर दोबारा कूड़ा ना जलाया जाए. तीसरी चीज आपको अगर कहीं दिल्ली में जैसे मैं देखता हूँ कई बार सामने एक ट्रक जा रहा है जिस जो इतनी वो पोल्यूशन कर रहा है अगर कहीं दिल्ली में आपको ऐसा पोल्यूटिंग व्हीकल दिखाई दे आप अपने उसी ऐप से उसकी फोटो विद द नंबर प्लेट खींच के आप हमें भेज दीजिए उसको हम पकड़ के एंड वी विल टेक स्ट्रांग एक्शन एंड टिल पोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल कम्स अंडर कंट्रोल वी विल टेक. देन राजघाट और बदरपुर ये दो थर्मल पावर स्टेशन हैं जिसका सारी रिपोर्ट्स में जिक्र है कि इनकी वजह से फ्लाई ऐश उसमें आ रही है एनवायरनमेंट में. दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी लिटिल पावर तो पावर डिपार्टमेंट हैज बीन टोल्ड टू मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स एंड बोथ दीज थर्मल पावर स्टेशन आर बींग शट डाउन इन दिल्ली. उसके बाद रात को ट्रक आते हैं. ये ट्रक की एंट्री 9 बजे से है और आप देखेंगे कि 9 बजे तक जनरल पब्लिक जो है वो अभी भी सड़कों के ऊपर होती है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 9 बजे के बाद देर आर मैसिव जैम्स ऑल अक्रॉस दिल्ली और वो उसकी वजह से ट्रक भी पोल्यूशन कर रहे हैं गाड़ियों के भी पोल्यूशन हो रहा है. तो इनका ट्रकों का टाइम 9 बजे से हटा के 11 बजे कर रहे हैं रात को सो दैट फिर एक चीज कर रहे हैं अभी
हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, आपको पीयूसी सर्टिफिकेट लेना होता है, पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट के अंदर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे अगर जाएंगे और उसको कहेंगे मेरे को पीयूसी सर्टिफिकेट, अभी तक क्या होता था कि वो पैसे ले लेता था बिना चेकिंग किए और आपको सर्टिफिकेट स्टिकर मिल जाता था, एंड इट वॉज बेसिकली अ फ्रॉड दैट वॉज गोइंग ऑन। अब हमने सारे दिल्ली के पेट्रोल पंप्स के जो पीयूसी हैं उनको हमने सेंट्रल सर्वर से और सेंट्रल कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर दिया है। अब अगर जब वो आप किसी पेट्रोल पंप से पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, जैसे वो नोजल डालेगा आपकी एग्जॉस्ट पाइप में, जो आपकी एक्चुअल रीडिंग है वो मेरे यहां सर्वर के ऊपर आ रही है, वो आपके पास साथ गड़बड़ नहीं कर सकता। प्रिंट आउट तभी आएगा उसके प्रिंटर के ऊपर अगर आपका पोल्यूशन एक्चुअली अंडर कंट्रोल है, नहीं तो वो नहीं आएगा। सो इसको अब हम एनफोर्स करने जा रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है कि दिल्ली के अंदर 650-700 के करीबी पेट्रोल पंप हैं और दिल्ली के अंदर जितनी गाड़ियां हैं, अगर इसको तुरंत एनफोर्स कर दिया तो लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप पे लग जाएंगी। सो मे बी वी विल गिव मंथ और वन एंड अ हाफ मंथ्स फॉर ऑल द व्हीकल्स इन दिल्ली टू टेक सर्टिफिकेट्स बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट एनफोर्सिंग। और उसके बाद हम दिल्ली के अंदर जगह जगह कैमरे लगा देंगे सड़कों के ऊपर, और जिस गाड़ी के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कैमरा उसको पकड़ेगा, एंड दैट व्हीकल एक्चुअली विल बी स्टॉप्ड 200 मीटर्स आफ्टर द कैमरा। दीज कैमराज विल बी पुट, ये 2-3 महीने लगेंगे इसको होने के लिए। इसी किस्म के पोल्यूशन वो जो मशीन है, ये दिल्ली के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, बॉर्डर हैं, वहां पे हम लोग लगा रहे हैं, और जो ट्रक्स रात को दिल्ली में एंटर करते हैं उन ट्रक्स को चेक किया जाएगा। अब उन ट्रक्स को एक ऑप्शन हमारे पास था कि वापस भेज दें, लेकिन अगर वापस भेजना चालू कर दिया तो दिल्ली में सब्जी दूध और सबकी किल्लत हो जाएगी। सो हम उसको वापस तो नहीं भेजेंगे, बट वी विल इम्पोज सच ए ह्यूज डेटरेंट फाइन कि अगली बार जब वो आएगा तो वो सर्टिफिकेट अपना पोल्यूशन कंट्रोल करके लेके आएगा, पहली बार अपना फाइन देके दिल्ली के अंदर घुस जाए, लेकिन नेक्स्ट राउंड में जब वो अपना सामान लेके आएगा तो उसको कंट्रोल पोल्यूशन ठीक करना पड़ेगा। उसी तरह से यूरो 6 स्टैंडर्ड्स जो हैं एमिशन के, वो केंद्र सरकार पूरे देश में 2019 में करने जा रही है। हम लोगों ने तय किया कि हम 1 जनवरी 2017 से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी विल स्टार्ट टेकिंग ऑल द स्टेप्स राइट नाउ इटसेल्फ। एंड लास्ट बट एज ही सेड नॉट द लीस्ट इज ऑड इवन नंबर्स, एंड इसमें फ्रैंकली हम लोगों का ये सोचना था जो हम मीडियम टर्म में सोच रहे थे। वी वर प्लानिंग डेडिकेटेड एलिवेटेड बस कॉरिडोर्स ऑल अक्रॉस दिल्ली। जैसे अभी आपने BRT देखा था, BRT अभी दिल्ली की सड़क के ऊपर ही था और एक लेन को हमने बस लेन कर दिया था और उसकी वजह से काफी क्योस हो रहा था। बट सपोज इफ आई हैव एन एलिवेटेड, जैसे मेट्रो चल रही है, मेट्रो ऊपर चल रही है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, उसी तरह से अगर हम एलिवेटेड कॉरिडोर बना दें जो कुछ कंट्रीज में हुआ है और उस पर केवल बस चलेगी और इतनी सारी बसेस चलेंगी, ऑल काइंड ऑफ इवन लग्जरी बसेस, इवन इकोनॉमी बसेस, ऑल काइंड ऑफ बसेस, तो उसमें यू आर सर्टेन कि आप जल्दी भी पहुंचेंगे और कंफर्ट के साथ भी पहुंचेंगे। तो हम ये सोचे थे कि जब हम उस लेवल पे तैयार होंगे एट दैट टाइम वी विल स्टार्ट इम्पोजिंग सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स लाइक कार्स एटसेट्रा। लेकिन जो इमरजेंसी सिचुएशन अभी आ गई है, हमें ये लगता है कि थोड़ा सा इसको कूल डाउन करने के लिए, इफ नॉट एनीथिंग एल्स कुछ दिनों के लिए तो कम से कम इसको करना पड़ेगा कि थोड़ी गाड़ियां सड़क से कुछ दिनों के लिए हटानी पड़ेंगी। तो अभी ये सोचा है, दिस इज इन प्रिंसिपल द डिसीजन हैज बीन टेकन। Many, many things need to be sorted out.